हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी सिविल एक्सप्लेन। सो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर की ह्यूज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें अगर आप नंबर देखेंगे तो 6988 के आसपास वैकेंसी हैं, यानी कि अगर आप बात करें तो अप्रॉक्स 7000 वैकेंसीज़ हैं। इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप देखेंगे कोई स्टेट नहीं निकालता है। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ आपका सिर्फ RRB निकालता है, ठीक है। RRB में आपका 10 to 15,000 वैकेंसीज़ आती हैं JEE की, ठीक है। सो, अगर हम बात करें इसके डिटेल नोटिफिकेशन की, सो इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो मैंने है, जिसका कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होने वाला है एंड जो इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है वो एक्सपीरियंस आपका कहाँ का होना चाहिए, कहाँ का काउंट किया जाएगा एक्सपीरियंस, वो इन सब बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो, पहली चीज़ तो एक तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें 7000 के आसपास हैं। दूसरा, आपका एप्लीकेशन जो है यानी कि फॉर्म फिलअप आपका 22 मई से स्टार्ट होगा एंड 21 जून तक फॉर्म फिल किया जाएगा। इसमें BTech एलिजिबल नहीं है, ये वैकेंसीज ओनली फॉर डिप्लोमा। सो डिप्लोमा जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेड पे इसका रहने वाला है 4600 का। जनरली होता क्या है, जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज होती हैं उनका ग्रेड पे आपका 4200 का होता है। चाहे आप SSC JEE का देख लीजिए, उसका भी 4200 का ही ग्रेड पे। सो, इसका ग्रेड पे भी अच्छा है। अगर हम बात करें इस ग्रेड पे आपको अराउंड 60,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एज की, तो इसमें एज आपका 18 to 37 ईयर्स रखा गया है। 37 ईयर्स आपका जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपकी एज और इसमें बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी आपका ₹600 रहने वाला है फॉर जनरल, OBC या EWS या फिर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है तो उसको ₹600 पड़ेंगे एंड ₹150 आपका पड़ने वाला है अगर आप SC ST या फिर PH कैंडिडेट्स में आते हैं, ठीक है। अब मेन बात करते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो। सिलेक्शन प्रोसेस आपका दो स्टेज में होने वाला है। पहली स्टेज में आपका पेपर होगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसमें। एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा एंड 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। 80 क्वेश्चन आपके उसमें सिविल इंजीनियरिंग के पूछे जाएंगे एंड 20 क्वेश्चंस में आपका GS और करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। अब जो सेकेंड स्टेज है उसमें क्या होगा, जो आपने पेपर दिया है उसका 75% वहाँ से लिया जाएगा एंड 25% आपका एक्सपीरियंस का काउंट किया जाएगा। एक्सपीरियंस का काउंट ऐसे होगा, मान लो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका 5 नंबर मिलेंगे, 2 साल का है तो 10 नंबर, ऐसे, ठीक है। यानी कि अगर आपको 25 नंबर चाहिए एक्सपीरियंस के तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस देख लेते हैं कहाँ का काउंट होगा। एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा अगर आपने बिहार सरकार के अधीन किसी नगर निगम निकाय में या फिर किसी उपक्रम में अगर आपने संविदा पर कार्य किया है तो वही आपका जो कार्य है वो अनुभव के तौर पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स को अराउंड 35% सीट्स उनके लिए रिजर्व की गई हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो 7000 में से करीब 2000 सीट्स जो ऐसी हैं जिसपे फीमेल कैंडिडेट्स केवल फॉर्म फिल कर सकती हैं, ठीक है। सो, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो JEE की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो चाहे आपका कोई भी JEE हो, ठीक है। चाहे आप SSC JEE की कर रहे हो, चाहे कोई दूसरे स्टेट की JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज है। थैंक यू।